हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, आई एम एडवोकेट सुमित। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि अगर कोई इंसान पुलिस स्टेशन में जाता है अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए और कोई पुलिस ऑफिसर उसकी FIR दर्ज नहीं करता है, तो वो क्या कर सकता है, अपनी FIR दर्ज किस तरीके से करवा सकता है, ठीक है। तो गाइस देखो, जनरली क्या होता है, लोग जाते हैं FIR करवाने, जैसे कि छोटे मोटे क्राइम हो गए, जैसे छोटे मोटे बोले तो मतलब कि चीटिंग टाइप हो गए, ठीक है, इस टाइप के केस में FIR दर्ज करवाने जाते हैं। तो गाइस देखो, इन केसों में FIR दर्ज नहीं होती, सिर्फ कंप्लेंट होती है, समझ गए मेरी बात। FIR किन केसों में होती है, वो होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है जैसे कि रेप हो गए, मर्डर हो गए और दहेज हत्या हो गई, डाउरी डेथ, ठीक है, इन केसों में FIR होती है, वो भी फटाफट हो जाती है। जैसे आपको FIR करवाने गए पुलिस वाले के पास, अपने पुलिस वालों को बोला कि जनाब मेरे साथ ऐसा ऐसा केस हुआ, मुझे FIR दर्ज करवानी है, तो देखो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है वो आपकी FIR लिखेगा, 100% लिखेगा वो, ठीक है। आज तक मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि किसी सीरियस क्राइम में, कॉग्निजेबल ऑफेंस में, किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी इंसान की FIR ना लिखी हो, मैंने ऐसा देखा नहीं है। बाकी होता होगा मुझे नहीं पता, बट मैंने ऐसा नहीं देखा आज तक। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी अगर आप कोई पुलिस वाला आपकी FIR नहीं दर्ज करता, तो आप क्या कर सकते हो। देखो इसमें क्या होता है, आप पहले उनकी कंप्लेंट कर सकते हो SP से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से, ठीक है। आप उनको जाके बता भी सकते हो अपनी कंप्लेंट की, जनाब ऐसा ऐसा भी है वो है कि मेरी FIR ऐसा केस है और FIR मेरी दर्ज नहीं करी गई, या फिर आप रिटर्न में अपनी कंप्लेंट बाय पोस्ट भी भेज सकते हो SP के पास, अपना आपका जो भी मैटर है उस बारे में सब चीज़ लिखकर आप वो सब SP को भेज सकते हो, ठीक है। तो SP जो है, SP को लगता है कि आपका सीरियस क्राइम है, सब चीज़ ठीक है, तो वो बोलेगा आपकी FIR दर्ज करवाएगा पक्का, ठीक है। 1% लेके चलो, अगर SP के थ्रू भी आपकी FIR दर्ज नहीं हुई, तो गाइस CRPC में 156 क्लॉज 3, ठीक है, 156(3) के तहत आप डायरेक्ट अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, ठीक है। आपका जो भी मैटर है सारा आप सब चीज़ वहाँ बता सकते हो अपना, कि ऐसा ऐसा मेरा केस था जनाब और मेरी FIR दर्ज नहीं की गई अभी तक, मैं SP को भी अपनी कंप्लेंट कर चुका हूँ, ठीक है। तो उसमें SP क्या करेगा जनाब, उसमें कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट आपको पहले तो अपने पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देगा, क्या पता वो FIR आपकी दर्ज पहले ना करे, वो आपके पहले आपके केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ऑफिसर को बोलेगा, ठीक है। आपके इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस ऑफिसर साहब की सारी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब को सबमिट करवाएगा कि जनाब ये इनकी पूरी रिपोर्ट है केस की। उसके बाद आपके अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि हाँ भाई आपका सीरियस क्राइम है सच में, तो वो पुलिस में पुलिस ऑफिसर को बोलेगा आपकी FIR दर्ज करने के लिए, और उनको FIR दर्ज करनी ही पड़ेगी, समझ गए। कहने का मतलब क्या, वो क्या करना है, पहले आपको SP ऑफिस में कंप्लेंट करनी है अपनी, ठीक है, या तो आप रिटर्न में कर सकते हो या बाय पोस्ट अपनी कंप्लेंट भेज सकते हो, ठीक है। SP ऑफिस के बाद आपको डायरेक्ट 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपनी कंप्लेंट फाइल करनी है FIR दर्ज करने के लिए, ठीक है। तो चलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो भी समझ में आई होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।